नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार करने बनारस गई सिंगरौली पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें दो जवान घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के साथ पांच हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली पुलिस के जवानों ने घायल होने के बावजूद आरोपी को कब्जे में लिए रखा। मामला बनारस के शहर शिवपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसा वसूली के मामले में रमेश सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जब पुलिस आरोपी को पकड़ने गई तो बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में प्रधान आरक्षक दयानंद सिंह के सर पर गंभीर चोट आई, वहीं सहायक उप निरीक्षक लाल सिंह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी 3 महीने से फरार था। हमला करने वाले 5 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना के एक 420 और 467 भादवी के मामले में एक आरोपी रमेश सिंह की तलाश थी, और उसमें सूचना यह प्राप्त हुई थी कि आरोपी वाराणसी के श्रीनगर थाना क्षेत्र में अपने निवास पर है। इस सूचना पर टीम यहाँ से गई थी, इसको साहबलाल ASI लीड कर रहे थे। टीम में एक हेड कांस्टेबल दयानंद और कांस्टेबल सुनील और राहुल। वाराणसी की पुलिस की मदद से इन लोगों ने आरोपी को उसके निवास से अपने अभिरक्षा में लिया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।